स्ट्रीट स्टाइल सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी क्विक ग्रिल सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 4 सैंडविच ब्रेड। आप यहाँ कोई भी मल्टीग्रेन आटा ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। आज के सैंडविच को बनाने के लिए आपको बटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी या चटनी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रेड लेंगे और सबसे पहले यहाँ हम लेयर लगाएंगे, वो भी वेज मेयोनीज की। जो व्हाइट वाली मेयोनीज होती है ना, वो ही ली है। तो बस सबसे पहले फटाफट यहाँ व्हाइट मेयोनीज लगाएंगे। इस तरह से मेयोनीज लगा करके मैंने यहाँ ली है कुछ वेजेस। आप यहाँ अपने पसंद की वेजेस ले सकते हैं। यहाँ पर लेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च। मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने यहाँ ले ली। आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप टमाटर को बारीक काट कर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मेयोनीज पर डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी डालेंगे शिमला मिर्च हरी वाली, उसके बाद लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी पीली वाली भी। ये देखिए कितने सुंदर कलर लग रहे हैं ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा पनीर लिया है। यहाँ पर सैंडविच में पनीर डालने से बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आती है। पनीर अवेलेबल हो तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे पीस पनीर के कर दिए हैं, तो फटाफट इसके ऊपर असेंबल कर देंगे। ऐसे ही करते हैं ठेले वाले, फटाफट ब्रेड लेते हैं, तुरंत तुरंत वेजेस उसके ऊपर डाल देते हैं, सॉस मेयोनीज वगैरह डालकर असेंबल कर देते हैं। ऐसे करने से क्रंच बना रहता है वेजेस का, थोड़ा सा भी पानी नहीं छोड़ती है सब्जियां। अगर पहले से ही नमक मिला के रखते हैं तो जनरली पानी छोड़ देती है और फिर वो मजा नहीं आता है सैंडविच खाने में। यही कारण है अलग अलग सब्जियां काट कर रखते हैं या फिर तुरंत सैंडविच बना के देते हैं। अब यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स। मतलब इस सैंडविच के अंदर आपको पास्ता, पिज्जा सारे टेस्ट एक ही इसमें मिलने वाले हैं। और यहाँ मैं डाल देंगे पिज्जा वाली चीज। आपके पास ऑरेगानो, मिक्स हर्ब्स, कोई भी हर्ब्स होंगे तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चीजें ना हो तो आप यहाँ पर सादे सिंपल मसाले, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर ये भी यूज कर सकते हैं। और बस इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ एक दो चीज की पिज्जा वाली सॉस। इसके बदले आप टोमेटो केचप भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको भूख लगे और फटाफट कौन सी भी सब्जियां डालकर ये सैंडविच बना सकते हैं। और साथ में ही इसको जबरदस्त लुक देने के लिए, टेस्ट को और इनहांस बनाने के लिए मैं यहाँ लगा रही हूँ तंदूरी वाली मेयोनीज। मेयोनीज डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर हो तो डाले, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ मार्केट स्टाइल बना रही हूँ। अब ये थोड़ी सी ऊपर से मैं यहाँ डाल रही हूँ स्वीट कॉर्न, उबली हुई स्वीट कॉर्न है, जरा सी इसके ऊपर डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब क्या करेंगे, दूसरी यहाँ ब्रेड लेके इसके ऊपर रख देंगे और प्रेस करके लेंगे। और यहाँ वेज चीज ग्रिल सैंडविच को यहाँ बना रही हूँ तवे पर। तो गैस पर चढ़ाएंगे तवा और तवे को कर देंगे हल्का सा गर्म और इसके ऊपर मैं यहाँ लगा रही हूँ थोड़ा सा घी। सैंडविच आप घी या तेल में बना सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ घी में पसंद है इसलिए यहाँ मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और घी को यहाँ स्प्रेड कर लेंगे, इस पर रखेंगे हमारा सैंडविच। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि चीज तो डाली नहीं तो ऐसा कैसा सैंडविच। रुकिए, अब मैं ये आगे बताऊंगी। गैस को लो टू मीडियम रखेंगे और लो टू मीडियम पर सैंडविच को सेकने देंगे। सिर्फ नीचे से ही, ऊपर से नहीं सेकेंगे। सिर्फ एक मिनट से नीचे से कुरकुरा हो जाए तब तक हमें यहाँ सेक के लेना है। एक साइड से हमारा सैंडविच सेक गया है, अभी इसको निकाल के एक बोर्ड पे रख देंगे। जिस साइड से सेका है ना, उस साइड से उल्टा करेंगे, ये देखिए इस तरह। अब इसके ऊपर लगाएंगे वापस से थोड़ी सी पिज्जा वाली सॉस। चम्मच से इसको स्प्रेड करते जाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे पिज्जा वाली चीज यानी मोजरेला चीज। मोजरेला चीज डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, यहाँ पर आप प्रोसेस चीज भी यूज कर सकते हैं। ये स्लाइस वाली चीज आते हैं, वो भी असेंबल करके डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी हरी और लाल शिमला मिर्च। ये देखिए कितनी कलरफुल लग रही है ना। ना कोई यहाँ सब्जी की स्टफिंग डालनी है, सिर्फ सिंपल तरीके से बनाएंगे, सिंपल वेजेस लेंगे और फटाफट बना के तैयार कर लेंगे। तवे पे हल्का सा फिर से घी लगाएंगे और जिस साइड से हमारा सैंडविच सेका नहीं था उस साइड से उठा के तवे पे रख देंगे। ऊपर से ढक्कन से ढककर 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे।
हमने जो चीज डाली है बढ़िया से मेल्ट हो जाए। जब तक हमारा सैंडविच सेक रहा है, फटाफट दूसरे सैंडविच की तैयारी कर लेंगे। है ना कितना आसान, आलू नहीं उबालना, कोई बटर नहीं यूज करना है, फटाफट बनके रेडी कर लेंगे। और एक से दो मिनट बाद, और ये देखिए सब तरह से सैंडविच सेक गया है और जबरदस्त चीज मेल्ट भी हो गया है। बनाया ना बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच, वो भी तवे पर। तो बस सैंडविच निकालिए और इसको मैं आपको काट के बताती हूँ। ये देखिए, लीजिए, हो गया ना हमारा टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल वेज चीज ग्रिल सैंडविच। तो एंड में दिखाती हूँ सर्विंग। फटाफट बनाते हैं दूसरे सैंडविचेस। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना, तो लीजिए बिल्कुल तैयार है स्ट्रीट स्टाइल सुपर टेस्टी सुपर चीजी वेज ग्रिल सैंडविच। आ गया ना एकदम बाजार वाला लुक, पिज्जा पास्ता वाली इसकी टेस्ट है। आप ही इसे जरूर ट्राई करें। तो आज की ये स्ट्रीट स्टाइल वेज ग्रिल सैंडविच की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। उम्मीद करती हूँ मेरे वीडियो आपको बहुत पसंद आते हो। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।